अपन ने जो पार्ट वन में जाना था, ये खलीफा, सजदा, हसद, तकबूर, घमंड और पूरी जन्नत की राहत, और लेकिन पेड़ बना आजमाइश और अल्लाह की नाराज़गी का सबब। तो हमने ये पार्ट वन में जाना था, आज हम पार्ट टू की बात कर रहे हैं इसकी डिटेल। तो खलीफा, खलीफा का मतलब होता है नायाब, यानी कि सबसे पहले हम अपनी अहमियत को समझते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान में हम इंसानों को नायाब खलीफा कहा है। हमारे लिए कितने फ़ख्र की बात है कि अल्लाह के हज़ार हा मखलूक़ात में अल्लाह ने हम इंसानों को खलीफा नायाब यानी अशरफुल मखलूक़ात कहा है। दो नंबर पे जो सजदे की बात थी, तो सजदा, अल्लाह ताला ने फरिश्तों से जो नूर से बने, अल्लाह ताला ने फरिश्तों से जो नूर से बने हैं उन्हें हमारे बाप यानी आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया जो मिट्टी से बने। हम उन्हें आदम हव्वा की औलाद है, इसलिए हम उन्हीं आदम हव्वा की औलाद है, इसलिए हमें अपनी आप को फ़िक्र करना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अब बात करें हसद, तकब्बुर और घमंड की। तो इबलीस ने आदम अलैहिस्सलाम से हसद किया और अपने आप पर घमंड किया कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मिट्टी से बनाया है और मुझे आग से, और इसलिए इसने तकब्बुर किया और अल्लाह ताला का हुक्म इनकार किया। इसलिए हमें हसद, तकब्बुर, घमंड जैसी मोहलिक बीमारी से बचना चाहिए। अब बात करें पूरी जन्नत की राहत की। तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी को जन्नत में आला मुकाम दिया। सोचो जन्नत कितनी खूबसूरत और ऐशो आराम की जगह है, कोई मेहनत नहीं, कोई मुशक्क़त नहीं करना, बस आराम से रहना है और जो मन करे वो खाना है। अब बात करें लेकिन पेड़ बना आजमाइश। तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में आला मुकाम दिया, लेकिन सिर्फ़ एक पेड़ को आजमाइश बना दिया जिससे आदम और उनकी बीवी नाफरमानी कर बैठे। इसलिए हमें जो भी अल्लाह ने दिया है इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और जो कुछ भी हमारे पास कमी है इसको अल्लाह की आजमाइश समझकर सब्र करना चाहिए। और बात करें अगर अल्लाह की नाराज़गी का सबब का, तो अल्लाह की नाराज़गी का सबब आदम और उनकी बीवी की नाफरमानी अल्लाह की नाराज़गी का सबब बन गई और जन्नत जैसी खूबसूरत जगह से इम्तिहान के लिए ज़मीन पर भेज दिए गए। हमें भी कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे अल्लाह नाराज़ हो जाए, और जो कुछ भी हमारे पास है इससे हमें हाथ धोना पड़े। अब हिदायत की बात करूँ, तो इस 6 पॉइंट में मैंने जब आपको बताया, इसमें हमको ये हिदायत मिलती है कि हम अपनी अहमियत को समझें, हसद, घमंड जैसी चीज़ें, तकब्बुर वगैरह ना करें, और बहुत ख्याल रखिए कि कोई ऐसा काम ना करे जो कि अल्लाह की नाराज़गी का सबब बन जाए। और हमें चाहिए कि हमें अपनी अपनी ज़िंदगी में किस चीज़ की कमी अल्लाह की आजमाइश समझे और सब्र करे ताकि अल्लाह हमसे राज़ी रहे। अल्लाह की इताअत से जन्नत, यानी कि हमको अल्लाह ताला के हर हुक्म की इताअत करना है और उन हिदायत को धीरे धीरे समझना है और इस पर अमल करना है। सोचो सिर्फ 9 आयत में इतना ख़ज़ाना है, तो पूरे कुरान में हमारे लिए कितना ख़ज़ाना होगा। इसलिए ये कुरान हमें समझाता है, तर्जुमे से पढ़ना चाहिए, इस तरह अल्लाह के हर हुक्म की इताअत करना होगा। और अगर हम इस तरह अल्लाह के हुक्म की इताअत करेंगे और जो अल्लाह ने हमें नेमत दी है इसका शुक्र अदा करेंगे, और जो चीज़ भी हमारे पास है इस पर शुक्र अदा करेंगे, और जो नहीं है इस पर सब्र करेंगे, तो बेशक अल्लाह ताला फिर से जन्नत में जगह देगा और नाफरमानी से जहन्नुम। और जो अल्लाह का इनकार करे यानी इनकी हिदायत कुरान पर अमल नहीं करेगा, तो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करेगा, घमंड, हसद, तकब्बुर, अल्लाह की नाफरमानी करेगा, तो इसका ठिकाना सिर्फ जहन्नुम है। बेशक ज़िंदगी हर चीज़ से थका देती है, बेशक ज़िंदगी हर चीज़ से थका देती है, और जब तुम थक जाओ तो अल्लाह की तरफ लौट आना, क्योंकि सुकून तो बस इसके ज़िक्र में है। तो बहुत हो गया ये दुनियादारी, घूमना फिरना, सजना संवरना, मैंने अपना सारा वक्त लगा दिया, बस हम ठहरते हैं और दुनिया के साथ आखिरत की भी तैयारी करते हैं और नियत करते हैं कि अल्लाह के हुकूक और बंदों के हुकूक, जिनकी पूरी फहरिस्त अल्लाह की किताब में है, अदा करेंगे और अल्लाह की बताए हुए रास्ते पर अमल करेंगे, और जो कुछ काम करने से पहले सिर्फ़ एक लम्हा रुक कर सोचेंगे कि ये काम सही है या गलत, और इंशाअल्लाह
फिर वही काम करेंगे जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए। क्योंकि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि नेक अमल का दारो मदार नियत पर है। अगर नियत ठीक है तो इसका सवाब भी मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा कोई अमल वो देखने में नेक हो, इसका अजर आखरत में सिर्फ और सिर्फ सूरत में मिलेगा जबकि वो खुदा की खुशनौजी के लिए किया गया हो। बस हम सिर्फ इन आयतों की ये 9 पॉइंट पर ध्यान देते हैं, इनको खूब समझकर इन पर पूरा अमल करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि दिन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, इसलिए हम सिर्फ इन आयतों में पूरे दाखिल हो जाते हैं जब हम इंशाअल्लाह 9 पॉइंट्स को अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे और इनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह इसके बाद कुरान को समझने में और दिन में पूरे दाखिल होने में आसानी होंगी, आमीन। तो आज हम ये तसव्वुर करते हैं कि जब भी आज ही हम पैदा हुए हैं, इस तरह से तसव्वुर करते हैं, और इसलिए कि हम अपने पहले की ज़िंदगी, इस ज़िंदगी में जो गुनाह हुए, जो नाफरमानियाँ हुई और जो भी गलती और कोताही हुई, इसके लिए अल्लाह की हुजूर रुजू करते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ुंबी वातुबु इलैह, यानी कि मैं अपने रब ताला से तमाम गुनाहों की माफ़ी चाहता हूँ और उसी के तरफ तौबा करता हूँ। अल्लाह ताला हम सब की खताओं को माफ़ करे, आमीन।